आप देख रहे हैं मायापुरी कट, मैं हूं आपके साथ सृष्टि और स्वागत है आपका इंडियन फिल्मी एक्सप्रेस पर, जहां पर हम आप तक सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा से जुड़ी सारी अपडेट्स पहुंचाते हैं। सो लेट्स बिगिन। कटरीना कैफ, सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर की हॉरर कॉमेडी फिल्म फोन भूत सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। यूं तो बॉलीवुड की एक एक करके लगभग हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हो रही है, लेकिन फोन भूत बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखा सकती है। पहले ही दिन फिल्म को दर्शकों से काफी अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं और ये रिव्यूज ट्विटर पर देखे जा सकते हैं। एक बार आप भी इस फिल्म को मिले पॉजिटिव रिव्यूज पर नजर डाल ही लीजिए और उसके बाद ही अपना वीकेंड प्लान करिएगा। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह बी टाउन के सबसे चर्चित कपल्स में से एक हैं। दोनों अक्सर खबरों में बने रहते हैं। बॉलीवुड के हॉट कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के लाखों चाहने वाले हैं। पिछले दिनों जहां दीपवीर के बीच अनबन की खबरों ने फैंस को परेशान कर दिया था, वहीं बीते दिन इस जोड़ी ने अपना रोमांटिक अंदाज दिखा सबके चेहरों की मुस्कुराहट लौटा दी है। दरअसल दीपिका ने अपने सोशल मीडिया पर रणवीर की एक ऐसी वीडियो शेयर की है जिसने फैंस को राहत दे दी है। दीपिका पादुकोण ने हाल ही में एक स्टोर लॉन्च के इवेंट में पहुंचे रणवीर सिंह द्वारा उनकी तस्वीर पर किस करने पर अपना रिएक्शन शेयर किया है। रणवीर की ये तस्वीर अपनी स्टोरी पर शेयर करते हुए दीपिका ने लिखा, कोई ऐसा ढूंढो जो तुम्हें ऐसे देखे जैसे कि तुम उसकी पूरी दुनिया हो। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के हमशक्ल की तस्वीर हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसके बाद इंटरनेट की दुनिया में खलबली मच गई है। दिलचस्प बात यह है कि ये सुपरस्टार रजनीकांत का हमशक्ल कहीं और से नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में ही मिल गया है, जिसके बाद रजनीकांत के हमशक्ल की तस्वीर इंटरनेट पर छाने लगी है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों से पता चलता है कि ये शख्स पाकिस्तान से है, जिसका नाम रहमत गशकोरी है, जो पाकिस्तान सरकार की नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। इस शख्स की तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आई, इंटरनेट पर मानो बवाल मच गया। साउथ एक्टर रामचरण और उनकी वाइफ उपासना इस वक्त अफ्रीका में छुट्टियां बिता रहे हैं और लगता है कि ये कपल अपना वक्त काफी इंजॉय कर रहा है। हाल ही में रामचरण की वाइफ उपासना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक बहुत ही मजेदार सा वीडियो शेयर किया है। शेयर किए हुए वीडियो में आप बहुत से लायंस और कब्स को जंगल में खेलते हुए देख सकते हैं। वहीं राम और उपासना भी पेड़ को हक करते हुए तस्वीरें खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो अब ऑडियंस को काफी पसंद आ रहा है। निमरत खेरा एक हिट पंजाबी एक्ट्रेस होने के साथ साथ अपने एक और टैलेंट के लिए काफी मशहूर हैं और वो है उनकी सुरीली आवाज। उनकी सिंगिंग परफॉर्मेंसेस देखने के लिए फैंस अक्सर एक्साइटेड रहते हैं और अब उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इससे जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है। शेयर किए हुए वीडियो में निमरत एक सॉन्ग परफॉर्मेंस दे रही है और वहीं ऑडियंस उनकी परफॉर्मेंस के दौरान उनकी आवाज सुनकर मेस्मराइज नजर आ रही है। पंजाबी फिल्म ओए मखना आज यानी 4 नवंबर को दुनिया भर में रिलीज कर दी गई है। ऑडियंस भी इस फिल्म को लेकर काफी लंबे समय से एक्साइटेड थी, क्योंकि फिल्म में एमी विर्क, गुगु गिल और तानिया मेन रोल में नजर आ रहे हैं। अगर आपने भी ये फिल्म पहले ही दिन देख ली है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको ओए मखना कैसी लगी। भोजपुरी इंडस्ट्री के राइजिंग एक्टर आकाश यादव इन दिनों लगातार अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। आकाश जल्द ही भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह के साथ एक फिल्म में नजर आने वाले हैं। आकाश अक्षरा के साथ फिल्म अग्नि साक्षी में काम कर रहे हैं। इस फिल्म में वो एक पुलिस वाले का किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म को लेकर लगातार नई अपडेट सामने आ रही हैं। इसी बीच अग्नि साक्षी के सेट से कई तस्वीरें सामने आई हैं जो काफी चर्चा में बनी हुई हैं। हाल ही में भोजपुरी स्टार और सिंगर खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में जमकर बवाल हुआ था। अब ऐसा ही कुछ हंगामा भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की परफॉर्मेंस के दौरान भी हुआ। जौनपुर के बदलापुर में चल रहे 2 के बदलापुर महोत्सव में अक्षरा सिंह के गाने के दौरान ईंट पत्थर बरसाए गए। मामला इतना बढ़ गया कि एक्ट्रेस को कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। खबरें ये भी हैं कि हालात को काबू करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग भी करना पड़ा। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और देखते रहिए इंडियन फिल्मी एक्सप्रेस एवरी मंडे टू सैटरडे एट 8 PM ओनली ऑन मायापुरी कट।